हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एकदम चटपटा और टेस्टी सा नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में हम डाल रहे हैं 1 कप मैदा। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, तो हम मैदे से बना रहे हैं आज। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो भी आपके पास हो, घी हो या तेल हो, तो वो आप डाल सकते हैं। तो हम 2 चम्मच इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं, तो सरसों का तेल छोड़ के आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ताकि जो हमने मसाले डाले हैं और तेल डाले हैं वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से उंगलियों से मसलते हुए और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये नाश्ता और कोई भी झंझट नहीं है इसे बनाने में। तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक बढ़िया सा डो बनाएंगे, जैसे हम पूरी का बनाते हैं। ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, थोड़ा हार्डी रखेंगे इसका डो। तो ये आप देखिए बना के हमने तैयार कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेंगे। तो ये हमने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी गुठली नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा पीस नहीं चाहिए। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसे करके। तो आप चाहें तो कांटे से भी इसे मैश कर सकते हैं बिल्कुल बारीक। तो ऐसे ही मैश करके बिल्कुल बारीक सा मैश कर लेंगे, तभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से हमने इसे मैश कर दिया है, तो उसके बाद हम इसे हटा लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे कट करके, बारीक कटी हुई। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, तो नमक हमने आटे में भी डाल रखा है। तो उसके बाद 1/2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच से भी कम है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा हम ये भुना जीरा पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। तो मसाले आपको जो पसंद हो वही आप डालिएगा, बाकी मसालों को आप स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ा सा धनिया की पत्तियां डाल के और इसे मिक्स कर लेंगे, तो ऐसे करके, और इसे अच्छे से मसाले को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कभी भी बच्चों को कुछ बाहर से लाने की जिद करें तो आप घर में ही इस नाश्ते को ऐसे करके बना सकते हैं, 10 मिनट में बन जाता है, कोई भी झंझट नहीं होती है। तो ये आप देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको ऐसे करके, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे इसको, थोड़े छोटे छोटे इसको डो को निकालेंगे। तो ऐसे करके और ये बना रहे हैं हम ऐसे, तो सबको ऐसे ही बना लेते हैं, एकदम आसानी से बनके तैयार हो गए हैं। तो इनको साइड में रख लेते हैं और उसके बाद हमने जो डो बनाया था मैदे का, उसको हम चेक कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और हम मसल लेंगे, बढ़िया सा सॉफ्ट कर लेंगे इसको। तो ये अच्छे से हमने सॉफ्ट कर दिया इसको, उसके बाद हम इसकी 2 लोई बना लेंगे। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को सिंगल सिंगल लोई से भी बना सकते हैं, तो हम एक ही बार में ज़्यादा बन जाएगा, तो वही हम कर रहे हैं। तो इसको हटा लेते हैं और उसके बाद हम चकला ले लिए हैं, थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे और इसको बेल लेते हैं। तो ऐसे करके बेल के, और इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो जितना भी ये बेला जाएगा उतना हम बड़ा बना लेंगे इसको। तो ये आप देखिए पतला ही रखा हुआ है हमने, जैसे रोटी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 चम्मच मैदा हमने इसमें लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे घोल लेंगे। तो ऐसे करके, और ये आप देखिए बढ़िया सा ये तैयार हो गया घोल इसका। तो इसको साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो ये हम एक एक पीस ले लेंगे आलू के और इसको कट कर लेंगे इसके ही बराबर में।
तो ऐसे करके, और जितने भी बनेंगे उतने हम बना लेते हैं। तो तीन ही एक बार में बन रहे हैं, बाकी हम कट कर देंगे ये साइड साइड का। तो ऐसे करके और इसे रख देंगे, दोबारा से बना लेंगे उसी आटे में। उसके बाद हम इसे ऐसे रख लेंगे और इसकी इस साइड की भी जो किनारे हैं वो हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। तो ऐसे करके और इसे भी रख देंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे करके और फोल्ड कर लेंगे, तो थोड़ा टाइट करके। और ये जो हमने बनाया था मैदे का घोल, वो हम थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये आप देखिए बढ़िया सा चिपक गया है। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे, इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। तो ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देखिए हमने सारे ही बना के तैयार कर दिए हैं। तो इनको क्या करेंगे, साइड में रखते हैं। और हमने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है और दो ब्रेड ले लिए हैं। तो ब्रेड को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ के इसमें डाल देंगे जार में। तो एक ही ब्रेड हमने अभी तोड़ी है। उसके बाद हम आधा आधा कटोरी पोहा इसमें डाल रहे हैं। और ये दूसरी ब्रेड भी हमने तोड़ के इसी में रख दी है, तो ग्राइंड कर लेते हैं। ये आप देखिए तो बिल्कुल बारीक, तो हल्की सी दरदरी रखी हुई है हमने, तो इसको साइड में रख लेंगे। और जो हमने घोल बनाया था ये काफ़ी गाढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेंगे। तो इतना गाढ़ा घोल नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा पानी डाल के पतला सा सही रहेगा। तो ये आप देखिए पतला सा घोल बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रोल ले लेंगे और जो क्रम्स हमने बनाए हैं वो भी ले लेते हैं। उसके बाद एक एक पीस उठाएंगे और इसमें घोल में ऐसे करके और अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। खास करके जिधर से मसाला है उधर से हम थोड़ा अच्छे से कोट कर लेते हैं इसको। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो क्रम्स बनाए हैं और अच्छे से इसको ऐसे करके घुमा के बढ़िया सा इस पर लगा लेंगे ये। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया सा कोटिंग हुआ है, ये अच्छा भी लग रहा है। तो सारे ही बना के हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर हमने दो बड़े चम्मच तेल गरम करने रख दिया था, तेल गरम हो गया है। गैस को मीडियम पे ही रखेंगे और एक एक करके डाल देते हैं जितने भी इसमें आएंगे पैन में। और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छा सा करारा सा बना लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल भी इसे छेड़ेंगे नहीं, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो ये आप देखिए अच्छा सा कलर इसमें आने लग गया है। तो ऐसे ही करके और सबको पलट लेते हैं। तो ऐसे ही हम दो चार बार इन्हें पलटेंगे तो एकदम बढ़िया सी करारे से हो जाएंगे। तो दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सिकने देंगे। तो ये आप देखिए कितने करारे करारे से बन गए हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितने करारे से लग रहे हैं। तो बन के सारे ही तैयार हो गए हैं। थोड़ा इसको हम छन्नी में निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही निकालें तो थोड़ा सा साइड में रोक लीजिएगा, जो भी तेल होगा तो वो नीचे कढ़ाई में चला जाएगा। तो ये आप देखिए टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। तो इसको सॉस या चटनी के साथ या ऐसे ही भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये आप देखिए बाहर से बहुत ही करारा है ये और अंदर से एकदम सॉफ्ट सा है। तो इसे सॉस चटनी के साथ खाइएगा या चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। थैंक यू।